Mr. Akshay Kumar. Thank you, sir. Please be seated. Thank you so much. Yes, please, please be seated. You can choose whichever one. Sing is king. All right. So, ladies and gentlemen, with that, since we have the king here, who's also a part of the amazing causes that he supports, and a wonderful human being, of course, we are going to have, I would like to invite Mr. Om Prakash Tiwari from Jagran, who's going to conduct the session. So let's welcome, sir, with a huge round of applause as well. मुझे लगता है जोरदार तालियों से एक बार तो स्वागत हो ही जाए. Over to you, sirs. अक्षय जी, पहले तो इस समिट में हम आपका स्वागत करते हैं. दैनिक जागरण की तरफ से भी हम आपका स्वागत करते हैं. हम अपने मूल विषय पर आए, बातचीत शुरू करें. उससे पहले, क्योंकि हम एक आप एक पवित्र काम में लगे हुए हैं, मतलब देश को साफ करना, पवित्र करना, तो इसी तरह के एक पवित्र काम में एम्बेसडर हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, जो गंगा स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं, गंगोत्री से गंगा सागर तक. तो हमारी बातचीत की शुरुआत से पहले वो आपको कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं. इस स्वच्छता स्वरूप मैं आमंत्रित करना चाहूँगा गंगोत्री का जल लेकर के, वो आपके लिए विशेष तौर पे आए हुए हैं. स्वामी जी, स्वागत है. आए स्वामी. स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, गंगोत्री का जल आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर रहे हैं अक्षय जी को. धन्यवाद स्वामी जी. तो शुरुआत करें अक्षय जी. अक्षय जी, आपकी आप फिल्म पर्सनालिटी हैं और आपकी जो फिल्में रही हैं वो ज़्यादातर एक्शन की फिल्में रहा करती रही हैं. ऐसा क्या मोड़ आया कि आपको भारत स्वच्छता अभियान इसमें रुचि नज़र आई और आप
इस दिशा में आगे बढ़े। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए और मुझे मौका मिला इतने बड़े मंच पे आके लोगों से बात करने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हाँ बिल्कुल, मैं पहले एक्शन फिल्में बहुत किया करता था क्योंकि मुझे और कुछ आता भी नहीं था। और मैं करीबन 12 या 13 साल मैंने एक्शन ही किया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दीजिए आप, किस बारे में बैकग्राउंड? जो आपका एक्शन का है। जो एक्शन का बैकग्राउंड ऐसा है कि मैंने बैंकॉक में अपना करियर शुरू किया था एक्शन को लेके। मैं करीबन 5 साल उधर थाई बॉक्सिंग करता था। उसके बाद मैंने सोच लिया था, दिमाग में ये बात लगा ली थी कि मैं बॉम्बे में आके, तभी बॉम्बे था अब मुंबई है, कि मैं मुंबई में आके यहाँ स्कूल खोलूँगा, यहाँ मार्शल आर्ट लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन करते करते, अब ये कथा तो बहुत लंबी है कि मैं कैसे कैसे करते करते अपने इस इंडस्ट्री के अंदर आया, बट ये ज़रूर कहूँगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे लाने वाला एक ही चीज़ था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और वो है पैसा। मैं पैसा कमाने के चक्कर में आया था यहाँ, पैसे कमाना चाहता था मैं। जो कि मैंने, मेरे साथ एक हादसा हुआ कि मैं जब मार्शल आर्ट सिखाता था लोगों को तो मुझे 5,000 रुपये महीना मिलते थे। और जब 5,000 महीना मिलता था तो मैं खुश था उसमें। लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि जनाब, मुझे किसी ने कहा कि यार तू मॉडलिंग क्यों नहीं करता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मॉडलिंग करके देख लेते हैं क्या है। तो मैं गया मॉडलिंग करने के लिए, मुझे एक फर्नीचर शोरूम के लिए बुलाया गया था मॉडलिंग के लिए। तो मुझे वहाँ बिठाया गया, AC फर्स्ट क्लास रूम था। एक अच्छी सी मॉडल आई, बहुत सुंदर महिला आई, वो मेरे साथ बैठी, मेरे साथ उसने पोज वोज दिए, यहाँ देखा वहाँ देखा ऊपर नीचे ऐसे, और पोज वोज दिए। और जी जनाब, 2 घंटे के अंदर मुझे 21,000 रुपये मिल गए। तो वो जी, अब आप सभी हिसाब लगा लीजिए कि एक इंसान पूरे महीने काम करता है, उसे 5,000 रुपये मिलते हैं, और ये मैंने सिर्फ 2 घंटे, मैंने सिर्फ यहाँ वहाँ देखा और 21,000 कमाए। तो मैंने सोचा यार इससे बढ़िया जगह क्या हो सकती है। तो मैंने 21,000 लेके फिर मैंने कहा जी मॉडलिंग करूँगा मैं। और आप विश्वास करेंगे, मॉडलिंग करते 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 मैं फिल्मों में आया। फिल्मों में आते आते मैं फिर जो चीज़ आती थी मुझे, वो मार्शल आर्ट। और मैंने करीबन 135 फिल्में कर ली हैं, 140 फिल्में की हैं, जिसके अंदर मैंने करीबन बिगनिंग के जो हैं, मेरी सारी फिल्में एक्शन को लेकर ही थी। और कोई प्रोड्यूसर कोई डायरेक्टर मुझे ऐसे देखता भी नहीं था, यार इससे एक्टिंग तो होगी नहीं और इसको कुछ आएगा नहीं, इसको इससे एक्शन ही करवा लो। और मैं करते करते फिर आहिस्ते आहिस्ते मैं कॉमेडी में आया। फिर उसके बाद मैंने रोमांटिक फिल्में की, वो अलग बात है क्या 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 हुआ था। लेकिन करते करते जनाब, ये जो इस मिशन की अगर मैं बात करूँ, इस सोशल मैसेज की अगर मैं बात करूँ, तो एक दिन मैंने एक कथा पढ़ी कि एक महिला जो है उसे विलेज से, उसे गांव से निकाला गया है क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया, क्योंकि उसके डिवोर्स के मतलब उसके हस्बैंड के पास घर में शौचालय नहीं था। तो ये बात जो है मुझे बड़ी मतलब कमाल की लगी कि क्योंकि शौचालय का होना, टॉयलेट का होना घर में एक बहुत ज़रूरी बात है सबके लिए। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोग ऐसा क्या समझते हैं कि बाहर जाके शौच करते हैं, मतलब ऐसी क्या कारण है। लेकिन खैर जो भी है वो बाद में हम बात करेंगे उस पर। लेकिन ऐसा करते करते मैंने इसके बारे में और जानकारी ली, और उसके जानकारी लेते लेते मैंने कहा कि इस पर मैं फिल्म बनाना चाहूँगा। और मेरे पास एक स्क्रिप्ट तभी आई इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट आई। और ये स्क्रिप्ट आपको बताऊँ, टॉयलेट एक प्रेम कथा, एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर करीबन 4 साल से कई एक्टरों के पास गई, और वो नाम सुनते ही मना कर देते थे या इस फिल्म के ऊपर लेके काम नहीं करना चाहते थे। लेकिन मुझे ये फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, और वहाँ से मेरा एक मोड़ शुरू हुआ कि मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहूँगा। और प्लस
साथ में ये भी कहूंगा कि यस मैम यस मैम यस मैम इंग्लिश में बोल देंगे, लेकिन अब हम फिलहाल जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा है, मैं ओके आई विल ट्राई, ओके आई विल डू वन थिंग, आई विल रिवर्स बैक, शुड आई ट्रांसलेट एवरीथिंग मैम? यस मैम, इट्स गोइंग टू बी हार्ड बिकॉज 80% पीपल विल अंडरस्टैंड हिंदी एंड 20%, बट सो आई हैव टू केटर टू 20%. ऑलराइट मैम. So, to go back again, should I start again, sir? नहीं नहीं नहीं, आप जहाँ तक पहुँच गए उसके बाद start करिए. Okay, so my journey has been like I started my life, my career from being a waiter from Bangkok, and then I became an actor. It's a quite a long journey. I started my career when I was 14 years old, and I was learning martial art there. And it's a long, very long story. So, हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे मुझे बताइए. मैं भी चला गया हूँ कहीं कि आप कैसे इस दिशा में, ये जो सोशल मैसेज की फिल्म थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, उस तरफ खिलाड़ी से एक खिलाड़ी कैसे उधर मूव हुआ? देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आई थिंक हमें से आई वॉज अमेज टू सी ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु केम एट रेड फोर्ट ऑन द फर्स्ट ईयर व्हेन ही वॉज देयर एंड ही स्पोक अबाउट क्लेनलीनेस, ही स्पोक अबाउट टॉयलेट, स्वच्छता के बारे में बात की उन्होंने. एंड ही वॉन्टेड टू, जहां उन्होंने ये शुरुआत की स्वच्छ भारत की. और उसके बाद मैंने ये भी देखा कि द फैक्ट्स एंड फिगर्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली. लाइक 67 ईयर्स ऑफ आर इंडिपेंडेंस एंड वी हैड ओनली 39% ऑफ ओपन डेफिकेशन, एंड नाउ आफ्टर दिस होल थिंग विच हैज कम, आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर हैज स्पोकन अबाउट इट एंड स्टार्टेड दिस थिंग, द होल थिंग हैज चेंज्ड टू, आई एम प्राउडली सेइंग इट हैज बिकम टू 95%. And that has happened in just 4 years span. I have never come across anybody who is so much, he talks about cleanliness in so much passion. So mujhe garv hua is baat ka. And meri ye jo film hai, Toilet Ek Prem Katha, it has just been a choti si film hai, jo main is mission ke liye maine ye film banayi thi, and I'm proud to do that, and that's it. एंड और भी बहुत सारे फिगर एंड फैक्ट्स है, जैसे कि 5.5 लाख विलेजेस, 530 डिस्ट्रिक्ट, 25 स्टेट्स टेरिटरीज हैव बीन ऑल डिक्लेयर्ड, दे बीन डिक्लेयर्ड ODF, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सर, इसलिए मैं इस सब चीज़ों में आया. सर जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, अच्छा जी मैं भी गाँव से हूँ, एक्चुअली मैं 25 साल से रहता रहा हूँ मुंबई में, लेकिन वो जो लोटा पार्टी आपने अपनी फिल्म में एक टर्म दिया है ना, मैं भी उसका मेंबर रहा हूँ. अच्छा. हाँ वाकई. और जब बारिश हो जाती है सर, और बारिश के बाद जब पानी मेड़ के बराबर आ जाता है, उस समय की कल्पना आप कर सकते हैं कि वो हम खेत में जाएं या जान दे दें, दोनों में से कौन सा विकल्प आसान होता है वो कहाँ नहीं जा सकता है. तो ये जो फिल्म जब रिलीज़ होकर के आई, प्रधानमंत्री तो 4 साल से बोल रहे हैं और उसका असर भी हो रहा है, लेकिन एक जो फिल्म के माध्यम से सोशल मैसेज दिया गया, उसके रिएक्शंस क्या आए आपके पास? उसके रिएक्शंस क्या हुआ है? जी उसके रिएक्शंस बहुत अच्छे रहे हैं. आई पर्सनली बिलीव दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स. मैंने कई बार देखा है, कई विलेजेस में देखा है, सॉरी टू से दैट, बट नोबडी रिएक्ट्स टू दैट. पीपल लाइक टू सी अ कमर्शियल फिल्म, एंड आई थिंक आई एम अ वेरी लकी पर्सन जिसको एक मौका मिला है कि I'm in a place which is called cinema, a film industry, where I can do commercial cinema and give them the social message in a very different way, in a very
like I have seen it. I'm so proud to say my film has been shown in every village by this government. They've shown this film completely, and I would also want this government to show my film Padman also. I know it's the biggest taboo subject, talking about sanitary pads. It's a very taboo subject in my country. But I'm sure, and I will keep on working towards it and make sure that this film has, Padman also has been seen by everybody. It's a thing that, dekhiye, main aapko bataun, jab meri Padman release hui thi, kareeban 2500 cinema mein dikhai gayi thi. Prasun ji, sirf 2500 cinema mein dikhai gayi thi. Aur abhi yahi film China mein release hone wali aur 40,000 screens mein dikhai ja rahi hai. Oho. गजब 40,000 तो मैं अपने देश से और अपने सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि जितनी हो सके सैनिटरी पैड जितने स्कूलों में हो पैडमैन जो फिल्म है ये दिखाई जाए ट्रस्ट मी ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि ये मेरी फिल्म है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये फिल्म से फर्क पड़ेगा मैं जानता हूं इस फिल्म से फर्क पड़ेगा पैडमैन फिल्म से फर्क पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाई जाए बच्चों को दिखाई जाए इट इज अ कंपलसरी थिंग इट्स अ वेरी ऑनेस्ट फिल्म विच वी मेड मी एंड माय वाइफ हैव मेड अलोंग विद बाल्की एंड आई वुड जस्ट होप दैट वन डे इट बिकम्स अ कंपलसरी थिंग फॉर एवरी चिल्ड्रन टू वॉच दिस फिल्म अभी इससे पहले आपने कहा कि आज़ादी को 70 साल हो गए सर और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस तरह का कॉल दिया है कल्पना करिए कि 70 साल पहले किसी ने ये कॉल दे दिया होता तो आज आपको फिल्म बनाने की नौबत ही नहीं आती नहीं कॉल तो महात्मा गांधी जी ने भी दिया था क्या बोला उन्होंने कहा था कि बिल्कुल यही कहा था कि सैनिटेशन मुझे अभी भी याद उन्होंने कहा था कि सैनिटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडिपेंडेंस फॉर आर कंट्री मतलब स्वच्छता बहुत ज़रूरी है एंड वो कॉल कभी नहीं भूल सकते हैं तो ऐसा तो कॉल तो कह दिया था लेकिन बस यही है कि हमारे यहाँ जो माइंडसेट है शौचालय भी मैं मतलब हमारी सरकार शौचालय बना तो रही है बहुत बना रही है 8.8 करोड़ ऑफ शौचालय बना चुकी है अब तक लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है माइंडसेट मैं हाल ही में मैं जू बीच में रहता हूँ और मेरे राइट साइड पे एक स्लम है तो मैं सुबह सुबह घूम रहा था तो मैंने एक आदमी को देखा वो समुद्र किनारे पे शौच कर रहा था तो मैंने उसको पकड़ लिया मैंने उसको बोला भाई ये क्यों कर रहा तू क्या तेरे वहाँ शौचालय नहीं बनाया कहता नहीं साहब है शौचालय तो है बोला फिर तू इधर क्यों कहता है कहता खुले में मज़ा आता है मैं बेटा तेरे मज़े में पता कितनी बीमारियाँ यहाँ फैलेंगी तू मज़े लेके चले जाएगा लेकिन बीमारियां कितनी आएंगी वो पता है उसको फिर मतलब समझा बेसिकली यही मैं कहना चाहता हूं कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू टीच देम शौचालय तो हम बना रहे हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारी जो सरकार है वो स्कूल्स भी बनाए इनको क्लेनिनेस के बारे में जो हार्पिक इस वक्त कर रही है हार्पिक इज मेड स्कूल्स ऑल्सो वेट दे टीच अबाउट क्लेनिनेस दे टीच हाउ टू क्लीन योर टॉयलेट इट इज इम्पॉर्टेंट टू टीच देम हाउ टू क्लीन योर टॉयलेट बिकॉज टॉयलेट का क्लीन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है मतलब मैंने देखा है कि कई लोग अपने घर में टॉयलेट क्या करते हैं टॉयलेट घर के हल्का सा बाहर बनाते हैं और पूछा गया है क्यों तो कहते हैं कि यार इससे बीमारियां फैलती हैं अगर टॉयलेट का शौचालय का घर के अंदर रहना मतलब बीमारियां फैलेगी मैंने बोला बेटे उस हिसाब से तो मेरे घर में 3 टॉयलेट है मुझे तो बीमारी से मर जाना चाहिए था अब तक ये चीज़ उनको समझानी पड़ेगी जितना हम हो सके समझाएं मैं यहाँ मीडिया है मीडिया सिटिंग हियर मैं यही उनसे भी दरख्वास्त करूँगा इसके बारे में जितना हो सके लिखें बताएं लोगों को कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि शौचालय बनाना इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है क्लीन रखना उसको शौचालय को क्लीन रखना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अच्छा ये आपने भी मानसिकता की बात की ना कि एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि हाँ हमको मज़ा नहीं आता इस मेंटेलिटी को चेंज करने में करना बड़ों का ज़्यादा आसान है या बच्चों का ज़्यादा आसान है उसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों का आसान है उनको देखिए एजुकेशन ये तो सभी जानते हैं एजुकेशन से काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है
स्कूलों में टीचर क्लेनलीनेस के बारे में पढ़ाते हैं। मैंने तो अब आजकल देखा है कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप का हाथ पकड़ते हैं, डैड मम्मा ये सही नहीं है, पानी बंद रखा करो, नल बंद रखा करो। ये मैं देखता हूँ, और ये उसीलिए होता है क्योंकि उनको एजुकेशन मिली जाती है। और आई थिंक हमें से एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे कंट्री में ये क्लेनलीनेस कोई काम में आएगा। अच्छा, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, फिर मैं उसी आऊँगा कि वर्तमान सरकार जिस तरह से अपने आने के बाद से ही इस दिशा में काम कर रही है और भारत स्वच्छता मिशन को लेकर के चली है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये परफेक्ट चल रहा है या इसमें कुछ और जोड़ा जाना चाहिए? नहीं नहीं, काफ़ी कुछ परफेक्ट चल रहा है। बस उनसे मैं यही कहूँगा कि ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि लोगों को बताए, प्लीज़ टीच देम, जस्ट डोंट मेक टॉयलेट्स, धनाधन टॉयलेट बनाइए ठीक है, लेकिन ऑल्सो टीच देम, ट्रेन देम कि हाउ टू कीप योर टॉयलेट क्लीन। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ वेयर एक छोटी सी पोइट्री मतलब इस पर लिखी थी हिंदी में, तो ये मैं चाहूँगा कि मैं पढ़ देता हूँ आपको, अगर आपकी इजाज़त हो। श्योर श्योर, बिल्कुल। सो सामने प्रसून जी बैठे हुए हैं, वो करेक्ट करेंगे, प्रसून जी बैठे हुए हैं, वो करेक्शन कर देंगे। प्रसून जी, जितनी अच्छी हिंदी नहीं लिखी मैंने मैं ये खैर मैंने भी नहीं लिखी है, ये हमारा हार्पिक का मोटो रहा है, तो मैं सो क्या लिखा है जी, शौचालय तो आपने बनवाया पर उसे दिल से नहीं अपनाया, कभी ठीक से उसका ख्याल नहीं रखा, बस घर की सौतेली मान पर, बस घर का सौतेला मान कर छोड़ दिया, उसे देखकर मुंह बनाते हैं, उसका नाम लेते हुए शर्माते हैं, और बहाना क्या कि बीमारी ये फैलाता है, गंदा नजर आता है। अरे जब नहीं करोगे उसे साफ, औपचारिकता मानकर छोड़ोगे, तभी तो उठाती उसे छोड़ोगे, तभी तो है गंदगी का डर, तभी तो उठाती है बीमारियों सर पर। अगर टॉयलेट का हम अपना, एक मिनट जरा पढ़ना, मेरी आंखों में कुछ गया, पानी नहीं, नहीं कोई बात नहीं, कुछ धूल गई है, यहाँ से पढ़ देना, मैं पूरा ही पढ़ देता हूँ। शौचालय तो आपने बनवाया पर उसे दिल से नहीं अपनाया, कभी ठीक से उसका ख्याल नहीं किया, बस घर का सौतेला मानकर छोड़ दिया, उसे देखकर मुंह बनाते हैं, उसका नाम लेते हुए शर्माते हैं, और बहाना क्या कि बीमारी ये फैलाता है, गंदा नजर आता है। अरे जब नहीं करोगे उसे साफ, औपचारिकता मानकर छोड़ोगे, तभी तो है गंदगी का डर, तभी तो उठाती हैं बीमारियां सर पर। अगर टॉयलेट को हम अपनाएंगे, कौन करेगा साफ ये सोचकर नहीं घबराएंगे, उसे सौतेला नहीं घर का सच्चा हिस्सा बनाएंगे, तो टॉयलेट भी हमारी शान बनेगा, हमारी सेहत का रखवाला बनेगा, टॉयलेट का थोड़ा ख्याल हम रखेंगे, टॉयलेट भी हमारा ख्याल रखेगा। अच्छा जी, बड़ी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि आपने ये स्क्रिप्ट हिंदी में मंगवाई, मतलब देवनागरी में। जनरली आपकी इंडस्ट्री में होता यह है कि फिल्में हिंदी की करते हैं और स्क्रिप्ट हिंदी की, अंग्रेजी में। मैं हिंदी में ही पढ़ लेता हूँ लेकिन फिलहाल सॉरी, मेरे आंखों में कुछ चला गया, नहीं नहीं मैं पढ़ नहीं पाया। अच्छा, एक ये जो गंदगी इसमें, इस कविता में जो बात आई कि उसको गंदा मान करके बाहर किया जाता है, ये जो मानसिकता है कि डर्टी चीज़ है, गंदा है, हम उसका नाम भी नहीं लेते। हमें बचपन से ही टीचर के पास ये सिखाया जाता है, तो ये इस चीज़ को कैसे बदला जाएगा? इस चीज़ को एक हमने ऐड भी बनाया हुआ है हार्पिक वालों के साथ, पता नहीं ये ऐड अगर इधर हो सो दिखा सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। आई डोंट नो वेदर वी कैन प्ले द ऐड विच इज़ देयर, कैन वी? ये जो आपने सही प्रश्न पूछा है, बिकॉज हमें से लॉट ऑफ पीपल दे डोंट से द वर्ड टॉयलेट जाना है, दे थिंक हमें से टॉयलेट एक शौचालय एक, या इवन द वर्ड लैटरिन ऑल्सो, मतलब वो ये वर्ड को इस्तेमाल करने से डरते हैं, कांपते हैं। सो कैन वी प्ले दैट? इट्स गोइंग टू टेक टाइम, सो वी कैरी ऑन। हाँ जी, आगे आ जाएगा। तो अच्छा, ये जो फिर से मैं आपकी फिल्म पे आऊँगा कि ये जो टॉयलेट प्रेम का था, ये एक मैसेज देने वाली फिल्म थी। इस तरह के मैसेज विज्ञापन भी आप जो कर रहे हैं, वो दो गड्ढे वाला
या और भी एक दो विज्ञापन आते हैं, ये जो मीडियम्स हैं, चाहे फिल्म के मीडियम हों या विज्ञापन के मीडियम हों या एफएम चैनल्स पर भी चीज़ें आती रहती हैं रेडियो में, इनका कितना योगदान हो सकता है और इनमें इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जाना चाहिए और लोगों को भी आगे आना चाहिए? कि मैं ये नहीं कि बता कह सकता हूँ और लोगों के बारे में, यस और लोगों को बिल्कुल आना चाहिए, और ऐसे कई लोग हैं जो इसको लेके, इस टॉपिक को लेके लोग बात करते हैं, इसके बारे में लोग मतलब मैं कईयों को जानता हूँ जो पैसे भी खर्चा करते हैं इस चीज़ पे, काफ़ी कुछ लोगों को समझाते भी हैं, और यस ये जो माध्यम है फिल्म मेकिंग, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस. लाइक मैं आपको बताऊं, इस टॉपिक से थोड़ा हट के आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग व्हाट हैपेंड व्हेन इट वाज व्हेन समबडी सॉ माय फिल्म टॉयलेट एक प्रेम का था. सो सर, जस्ट वेरी नियर बाय देयर इज अ प्लेस कॉल्ड गोवंडी. ओके, वो एक ऐसी जगह है जहां बॉम्बे का सारा जो डंप है उधर किया जाता है, मतलब सारा जो गंदगी है वहाँ रखी जाती है, और यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक ही है. सो माय वाइफ अबाउट 2-3 days बैक शी वेंट देयर फॉर सेव द चिल्ड्रेन एंड ऑल. वैसे तो अमूमन एक एवरेज इंडियन जो होता है वो उसकी जो लाइफ की एज है वो 67-69 तक होती है, लेकिन आपको ये जानकर बड़ा दुख होगा कि गोवंडी में एवरेज एज है 39 ईयर्स. वो बस बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ सैनिटेशन, मतलब ये देवनार के आसपास, नहीं नहीं ये गोवंडी करके एक जगह है, यहाँ से करीबन 14-15 किलोमीटर दूर. सो मैं आई वुड लाइक टू आस्क हार्पिक एंड द जागरण पीपल हुम आई नो दे आर सिटिंग हियर, that please come together and let's make something there. I mean, those people need our help. And if we can make a nice, matlab unko sanitation ki bahut sakht zarurat hai is waqt. And this is just a thing. Aur main aapko batata hu hua kya tha, ki my wife went there, to wahan na ek ladka zor zor se chillane laga, madam madam main yahan ka govindi ka akshay kumar hu main. तो माय वाइफ सेड, अच्छा अच्छा आप कराटे करते हैं? उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं कराटे नहीं, मैं यहाँ रहकर मैं टॉयलेट बनाता हूँ. सो दिस इज हैपेंड बिकॉज ऑफ द मूवी. सो दिस इज हाउ मच लोगों के दिमाग में ये बात आती है. सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट हार्पिक एंड जागरण टू गेट टुगेदर अलॉन्ग विद मी. आई वुड ऑल्सो लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड टू लेट्स क्लीन दैट एंड मेक अ गुड सैनिटेशन report there and मतलब अगर हम कुछ कर सकते हैं उधर. देखो शायद ये हम लोगों ने औरंगाबाद में एक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज भी स्टार्ट किया हुआ है, वो चालू हो गया है वो, और वहाँ लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आप मैनहोल में जो हर साल दिल्ली मुंबई तमाम लोग साफ करते हुए मर जाते हैं, तो वो उसको किस तरह से टेक्निकली क्लीन किया जाए या उससे आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसको इस पर उस वहाँ बाकायदे कोर्स किया जाता है. अभी इसी साल जी मैं जानता हूँ, मुझे बताया गया है. जी जी, आपने जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक बात आती है फिल्मों के अलावा, मैंने सुना है कि आपने कोई गांव शायद अडॉप्ट किया है और अपने घर के आसपास भी मुंबई में भी कुछ जूह वगैरह पर करते हैं. जूह पे, क्योंकि जूह पे मैंने देखा था कि लोग समुंदर किनारे पे जाके, जैसे मैंने आपको किस्सा बताया था, दे जस्ट गो ऑन द बीच एंड ओपन डेफिकेशन करते हैं. एंड सो मैंने और आदित्य ठाकरे जी ने मिलके कुछ जू पे ही 5-6 टॉयलेट बना रखे हैं जहाँ लोग जा सकते हैं, बिकॉज जू बीच पे एक ऐसी जगह है जहाँ लॉट ऑफ टूरिस्ट कम, लॉट ऑफ पीपल कम, सो उधर नहीं था, सो वी मेड इट, बट दैट्स अ सेकेंडरी थिंग. बट एक कमाल का मैं आपको किस्सा सुनाऊँ. मैं आई वॉज शूटिंग इन जैसलमेर राइट नाउ अबाउट अ मंथ बैक. आई वॉज शूटिंग फॉर अ फिल्म एंड देन I was just cycling, so I just went to a village. मैं वहाँ विलेज पे गया, तो वहाँ विलेज पे मैं बात कर रहा था, तो उनका जो टॉयलेट था वो एक सिंगल पिट टॉयलेट बना के उन्होंने रखा था, एंड उनको डबल टू पिट टॉयलेट के बारे में कुछ नहीं पता था.
सो मैंने उनको टू पिट टॉयलेट के बारे में बताया एंड आई सी बेसिकली यही मैं आपको कह रहा हूँ कि उनको थोड़ा नॉलेज देना पड़ता है, कोई बताना, कोई जाए उधर बताए उनको टू पिट टॉयलेट के बारे में, उनको बताए कि क्या ज़रूरी है. आई एम श्योर आई मीन से पीपल हियर मस्ट बी नोइंग अबाउट टू पिट टॉयलेट. इट्स वन ऑफ द बेस्ट टॉयलेट्स एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉयलेट स्पेशली इन द विलेज. एंड उनको मैंने ये भी बताया कि जो उनका वेस्ट होता है वो सोन खाद के हिसाब से काम में आ सकता है, मतलब पाँच साल बाद उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो. एंड पूरा का पूरा मतलब बहुत आसान सा टॉयलेट है. एंड मैंने उनकी हेल्प की, उनको बनवा के दिया उधर. एंड यू वोंट बिलीव इट, आज आजू बाजू के जितने भी गांव वाले हैं उनको वो अब वो जो गांव वाले हैं वो इनवाइट करते हैं, वो लोग आते हैं और ये देख के अपने अपने गाँव में सब ने बनाना शुरू कर दिया. सो यही कहना चाहता हूँ कि अगर खुद जाएं तो बहुत चेंजेस आ सकते हैं. अच्छा एक एग्जांपल देना चाहूँगा. यहाँ महाराष्ट्र का ही एक डिस्ट्रिक्ट है अकोला, वहाँ अकोला के एक गांव में सरकार की तरफ से स्कीम आई, वो जो 12,000-15,000 जो भी एक टॉयलेट के लिए दिए जाते हैं. अब वो तो पैसे शायद बाद में मिलते हैं, देर में मिलते हैं. वहाँ के लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट करके पूरे गाँव में करीबन 125 से ज़्यादा टॉयलेट्स उन्होंने बना लिए और उन्होंने इंतज़ार नहीं किया पैसे आने का. पैसे आए बाद में, लोगों को ट्रांसफ़र भी हुए होंगे, लेकिन ये इस तरह का जो एक इनिशिएटिव होता है कि कोई एक लीडरशिप सामने आए, या जैसे आपने कहा कि आपने एक गांव में इनिशिएटिव लिया है या जुहू पे लिया है, ये आम पब्लिक को जिनके पास पैसा है, 12,000-15,000 कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, एक अच्छी शराब की बोतल भी शायद इतने में आ जाती हो, लोग खर्च कर देते हैं, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे इसको जोड़ा जाए? लोग है ना जो है वो टॉयलेट को अपना नहीं मानते. लोग टॉयलेट को समझते हैं कि ये बेगाना है, ये हम मतलब उसको एक बहुत ही सेल्फ मतलब एक बहुत ही स्टेप चाइल्ड जैसा ट्रीट किया जाता है. जो आपने किस्सा बताया अकोला का कि वहाँ लोगों ने मिलके ये वेट नहीं किया कि सरकार पैसा देगी. मैं तो कहता हूँ सरकार का वेट करना भी नहीं चाहिए, हमको अपना ही अपना, जैसे हम अपना किचन खुद चलाते हैं, हम अपने बेडरूम की सफाई रखते हैं, तो हम अपना खुद का टॉयलेट क्यों नहीं बनाते? हमें अपना टॉयलेट खुद बनाना चाहिए. सरकार क्यों दे? सरकार क्यों दे? आपकी सेहत है, आपके आपके माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं, आप उनके सेहत का ध्यान रखें. मैं तो कहता हूँ सरकार दे ना दे, आप बनाओ. वो सर जब आएगी सो आएगी. ये जो ब्लेम गेम जो होता है कि सरकार ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैं तो ये कहता हूँ सरकार को छोड़िए, आप अपना टॉयलेट खुद बनाइए. 12,000 मिले तो अच्छी बात है, ना मिले तो भी अच्छी बात है, आप अपना टॉयलेट बनाए. बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके खुद के परिवार की हेल्थ, दैट इज द थिंग. अच्छा आप खुद किस तरह से ये WHO से और... आपको एक किस्सा बताता हूँ कि व्हेन आई मेड टॉयलेट अ लव स्टोरी, इन द एंडिंग व्हाट यू सी, द गवर्नमेंट कम्स एंड गिव्स 12,000 रुपीज टू मी फॉर मेकिंग अ टॉयलेट एंड दैट वॉज एक्चुअली द एंडिंग. Till I realized it that, you know, why don't we change this ending? Till I spoke to someone from Swachh Bharat team, Mr. Param Iyer, he made me realize, Akshay, you know, it is, it's a request if you can change it by showing it that people are not worried about the money which comes in. They should make their own toilet. Be responsible for your own toilet. Make your own toilet. Feel proud about it that nahi maine apne parivar ke liye khud toilet banaya hai. So you won't believe it, I changed the ending only completely. So I have shown that the person comes with the money and I don't take the money, I give them the money back, because I don't want your money, because this is my wife's health, my children's health, my parents' health which I'm talking about. So I will not take money from the government, I will do the whole thing on my own. So that I changed the ending also of that. Acha abhi yaad aaya mujhe ki aapki film mein train ka bhi ek role raha hai. Us Mumbai mein aap BT se lekar ke Karjat Kasara ya Virar tak chale jaiye Church Gate se, jo jitne bhi chote stations hain wahan aaj bhi purushon ke liye to thik thak theek vyavastha ho jati hai, ladies ke liye आज भी यूरिनल्स प्रॉपर संख्या में नहीं है. ये ट्रेन में नहीं, स्टेशनों पर, ट्रेन में, लोकल ट्रेन में तो कोई जरूरत ही नहीं है. स्टेशनों पर महिलाओं के लिए खास तौर से
सैनिटेशन की पूरी कोई व्यवस्था ऐसी नज़र नहीं आती है? जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है वहाँ है सर, ऐसा नहीं है कि स्टेशनों पे विमेन के लिए बनाया हुआ है. एंड बल्कि मेरी तो ये मुहिम है कि अगर दे कैन हैव सैनिटरी पैड मशीन्स ऑल्सो फिट अप देयर, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एवरी स्टेशन एंड ऑल्सो इन ट्रेन्स ऑल्सो, सो दैट बी अ ग्रेट थिंग. मैं अंत की तरफ बढ़ रहा हूँ जी, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और हैं इसमें. आपका WHO और भारत स्वच्छता मिशन से किस तरह का जुड़ाव है और वो कैसे आप उनके साथ मिलकर के काम करना? जुड़ाव ऐसा है कि मेरे, मैं कभी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ना मैं उनका कोई ब्रांड एम्बेसडर हूँ ना मैं कुछ हूँ. मैं अपना काम करता हूँ, आई बिलीव इन डूइंग माई ओन वर्क एंड दैट्स इट. एंड कभी कभी उनके वहाँ से कभी फ़ोन आ जाता है एंड मतलब बेसिकली इट इज़ नॉट अबाउट, मतलब मैं अभी कैसे समझाऊँ, कोई जुड़ाव ऐसा कोई जुड़ाव नहीं है, बट ये है कि आई बिलीव इन द वर्क दे डू. मतलब आप आपके दिल से आप अपना काम कर रहे हैं? बस अपने दिल से काम कर रहा हूं. वो काम उनसे मैच कर रहा है, वो अपने आप मैच हो जाता है. बहुत सारी चीजें मैं कर जाता हूं. अभी आपका ये खत्म होने के बाद, बिकॉज टुडे इज द वर्ल्ड टॉयलेट डे, आई हैव एन इंटरव्यू, आई हैव टू स्पीक अबाउट इन सम अदर प्लेस ऑल्सो. सो मतलब ये है कि जुड़ाव नहीं है, लगाव है. मेरा लगाव है उनके साथ. जी जी जी, धन्यवाद. विज्ञापन दिखाएंगे, वो आपका वो जो विज्ञापन था वो दिखाना चाहेंगे. अक्षय जी, अंतिम दो सवाल बचे हैं. आपकी पूरे सफ़र में अब तक के कोई ऐसी मेमोरेबल यादगार हो आपके पास जो आप बता सकें, जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, और हालांकि फिल्म ही इंस्पिरेशन है आपकी, कोई मेमोरी हो आपके इस पूरी लंबे जर्नी में जो स्वच्छता मिशन से जुड़ी हुई, जो औरों को भी प्रेरणा दे सके? ऐसी तो वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, कह चुका हूँ. सी, आई जस्ट वांट टू गिव अ मैसेज अक्रॉस. मैं मैसेज पे डाल देता हूँ दैट इन दिस डे बैठे हुए हैं, उनको भी कोई मैसेज आप देना चाहें अपनी तरफ से. सो माय मैसेज इज दैट इन दिस डे एंड एज, एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड आई थिंक डिजर्व्स अ टॉयलेट. Do not wait for elders to be too old or too sick to build them a toilet. I think give them the privilege of doing their business in clean peace. And we expect more from our people, yet they are still defecating in the open along with the animals. I think we are better than this behavior. And we must learn to clean our own toilet, take pride in our own home sanitation. I would suggest, don't leave it to your wife or a cleaner. Our toilet rituals are our own responsibility. We should do it, we should clean it ourselves. We need to rise above the notion that this work, this job is someone else's job. I think this is, guys, this is the 21st century. We are watching movies in 3D, yet behaving like, you know, cavemen or something like that. And I think it's time that we change our way of looking at toilets. I think it's a happy World Toilet Day to. It is a happy World Toilet Day today, and let's have that dream of making our country a Swachh Bharat. That's it. धन्यवाद अक्षय जी. अब अभी सिंबॉलिक तौर पे जो अभी आपने विज्ञापन में दिखाया, वो आप उस तरफ जा करके अगर दिखाएं कि लोग कितना आसान होता है अपने टॉयलेट को साफ रखना. हाँ, बिल्कुल आसान होता है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. इट्स जस्ट अ टॉयलेट वी एंड
हमारे साथ भी चुप चुप तेरे को बिठाएंगे उधर थैंक यू हटो चलो चलो आएगा उठा के रख दे अरे बाद में आइए सर सर आप आए ना सर एक्शन करते हुए Akshay, it was very kind of you to come here and take out your time and honestly,